गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, चलिए आज के आपके 5 न्यू इंग्लिश वर्ड स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज वेट, WAIT, वेट। वेट का मीनिंग होता है प्रतीक्षा या इंतजार। चलिए आइए जानते हैं हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज में लाएंगे। आई कैन हार्डली वेट फॉर द फन टू बिगिन। मज़ेदार समय आने के लिए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। अवर सेकेंड वर्ड इज अप्लाई, APPLY, अप्लाई। अप्लाई का मीनिंग होता है लागू या आवेदन करना। जैसे आई थिंक इट्स टाइम टू अप्लाई अनदर कोट। मुझे लगता है अब दूसरा कोट लगा देना चाहिए। अवर थर्ड वर्ड इज ग्रो, GROW, ग्रो। ग्रो का मीनिंग होता है बढ़ना या उगाना। जैसे यू कांट ग्रो अ मैरीगोल्ड इन अ पॉट ऑफ फर्टिलाइजर। तुम गेंदे को फर्टिलाइजर के बर्तन में नहीं लगा पाओगे। अवर फोर्थ वर्ड ऑफ टुडे इज कंप्लेन, COMPLAINT, कंप्लेन। कंप्लेन का मीनिंग होता है शिकायत। जैसे वी मस्ट फाइल अ कंप्लेन फॉर लो पावर सप्लाई। हमें कम बिजली वितरण के लिए शिकायत देनी चाहिए। एंड आवर लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज सिक्योर, SECURE, सिक्योर। सिक्योर का मीनिंग होता है सुरक्षित। जैसे द गोल्ड इज एज सिक्योर एज आई कैन मेक इट, कि सोना इतना सुरक्षित है जितना कि मैं उसे बना सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे आज के आपके 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी समस्या आने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और 5 न्यू वर्ड्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।